फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा, यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार प्रकाष्ठा पर होगा, पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी, ऐतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी, चारों ओर हिंसा और विवर्तता का वातावरण होगा, गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्यवक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटन लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा, देखिए ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। ये देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियाँ। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार, ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर, ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसके हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे, वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पर पढ़ा था, ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे, और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे, ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियाँ इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा, यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार प्रकाष्ठा पर होगा, पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी, ऐतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी, चारों ओर हिंसा और विवर्तता का वातावरण होगा, गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्यवक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटन लग जाते।
अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दिए, सब नक्षत्र बना दिए और अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें और ये भविष्यवक्ता बताने लाग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। देखिएगा अब क्या, जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया ने लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राजविराजी जम के पड़े जंजीरम। चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन कर रहा था, चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है, खा कर ये कहते राम रटक निर्धन भला, टूटी घर की छान व सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा आपके सामने और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने ही आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे बिल्कुल, और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ कर आ रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है, विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे सूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई बाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था ना कोई डीजे बजानिया था, उठाकर कह दिया ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा, लक्ष्मी दे दी विष्णु को अगले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ, और शंकर जी को पार्वती दे दी जाओ भाई हो गया ब्याह। अरे बाकी बकवाद तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते यही फूक जाते। अब देखिएगा खोखलापन उजागर कर देगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतिंद्रिय शक्ति से यह एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा
यहाँ लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल 80 निवासी के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं, संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर दे। तो 1964 तक या जीवे थी 1964 में, तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10-20-30 वर्ष और बीरेगी 94-95 तक या जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है, और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की सती थी अब की है वो भी दिखाई दे थी। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतिंद्रिय यानी अंदर के आभास से शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर अध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई रामकण्य नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती है। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा। उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा, पश्चिमी देश के लोग अमेरिका, इंग्लैंड आदि उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा, और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं, नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। ओए हाय, अपने आत्माओं आप देखिएगा, ये इस तरह आती हैं, ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहाँ से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहाँ से आकाश से आ रही है और दास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है, उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बहन बता रही है फ्लोरेंस अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके, उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर पर ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है, और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर उस एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के। अब देखो, यहाँ थोड़ा सा लिखना भूल गया, फिर इन भक्तों ने अपना ने एक बुक इसने बताई है। देखिएगा, एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा,
ये एक बुक है। इस बुक के आधार से भक्तों ने एक वेबसाइट से निकाला है, वेबसाइट से इसकी है, इंग्लिश में है उसकी वाणी, वो इस प्रकार देखिएगा, यही है, आई कैन क्लियरली विजुअली ए गोल्डन एरा डिवाइन, वो कहती है मैं देखती रहती हूँ, यहाँ देखना, यहाँ पर है जो हिंदी उसने किया वो यहाँ से है, व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुलाइज, मैं देखती हूँ, ये क्या कहती है बहन कि जब मैं ध्यान की गहन ऊंचाइयों को छूती हूँ, यानी जब मैं ऊपर उड़ती हूँ ध्यान से, तो मैं क्या देखती हूँ, देखिएगा, व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुलाइज सच ए ग्रेट संत हु इज फेयर स्किन्ड, यानी फेयर स्किन्ड माने साफ वर्ण का, गौर वर्ण का, विद व्हाइट हेयर, उसके बाल सफेद हैं, व्हाइट हेयर, एंड विदाउट ए ब्रिड एंड मोस्टेचिज, वो बिना दाढ़ी मूछ का है, और उसके सफेद बाल हैं। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो डूंडा ठावगा। अब उसी का अंश इसने यहाँ थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, ये भूल गया होगा। इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के, आगे भूल गई, लिखना भूल गया, सफ़ेद बाल थे बिना दाढ़ी मूछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से चित्रार्थ किया है, तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है, इसमें लिख रखा है कि वो श्री राम शर्मा होगा, इस अंग्रेजी आले नागे चल के दो, जैसे गीता मूल तो सही है, मूल पाठ गीता का, अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता, तो ये लोग ऐसे यहाँ ये जान के छोड़ गया कि वो सफ़ेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूछ वाला होगा, इसलिए यहाँ छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाली में उसकी साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है अपनी भाषा में, यहाँ देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के, उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है, उनके माथे पर ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं, मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो बंदी छोड़ के बच्चे कहाँ कहाँ जा करके, कहाँ कहाँ जा करके, दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। वह संत अपने कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी, विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, और जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा, राजनेताओं के ऊपर, मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी, एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें अधिक ध्यान से सुनेगा, 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी,
हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक वृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। न्यूजर्सी की रहने वाली, न्यूजर्सी कोई शहर है अमेरिका में, न्यूजर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नोबेल नामक एक व्यक्ति ने, इसने ये बताना चाहा, पत्रकार ने दिखाना चाहा है कि एक पत्रकार था अमेरिका का और वो इसका इंटरव्यू ले रहा था और वो इंटरव्यू टीवी पर चला रखा था डायरेक्ट लाइव। ये पूछ रहा कि तो आप एक संत के बारे में तो बहुत बता रही हो लेकिन मेरे बारे में बताओ कुछ, जो प्रकरण इतना ही जिसमें ना पढ़ के मैं वैसे बता दूं जल्दी निमट जाएगी बात। तो फ्लोरेंस ने कहा कि तेरे विषय बताऊं, उसका दायां हाथ पकड़ा और उसने कहा कि तू आप जो है किसी दूसरे राज्य में भी प्रचार प्रसार करेगा। तो वो कह रहा था, उसने इसमें लिखा है कि मैं उससे कह रहा था कि तू भला मजाक कर रही है मेरे साथ, अगर इस इंटरव्यू को मेरी महकमे वाले सुन रहे होंगे, मेरे बॉस, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, दूसरे में प्रसार तो नहीं होगा पर मैं नौकरी से जाता रहूँगा, तो क्या मजाक कर रही है। उसी समय मेरे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया और मेरे लिए ही था, मैंने उठाया, मेरा बॉस कह रहा था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हमने निश्चय कर लिया है आपको न्यूयॉर्क के अंदर प्रचार प्रसार के लिए भेजना है, कल ही इसका डिक्लेयर करेंगे, फाइनल हो चुका है। मैं हैरान हूँ तुम्हारा इंटरव्यू मैं सुन रहा हूँ कि फ्लोरेंस को कैसे पता चला और आप जल्दी आ जाइए, आपको वहाँ भेज रहे। तो ये कहने का तात्पर्य है, वो इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है, उसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी थी तो वही कह रही है जो संत के बारे में उसकी झूठी नहीं हो सकती। अब देखिए, अब यहाँ देखिएगा, ये मैंने छोड़ दिया, यहाँ वही बता रहा था। ये टीवी के कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, मैं बोला उठकर, पत्रकार कह रहा है आप भारत में जन्म ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हो, मैं अपने बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली आप बहुत जल्दी किसी दूसरे राज्य में प्रसारण करेंगे। नोबेल ने एक प्रसारण सेवा के, वो एक कर्मचारी थे उस प्रसारण सेवा के, इस बात पर हंसने लगे। कुछ अक्षण बाद बोले कि आपने मुझसे अच्छा मजाक किया, यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो दूसरे राज्य में तो जाऊंगा या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। फिर पीछे घोषणा ये लिख दिया उसने कि वहाँ, अब कहते नोबेल के जब फोन पर उठाया तो उसने बताया कि हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहाँ तुम्हें भी भेजा जाएगा, अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था, वो बॉस बोल रहा है, फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वो पूरी तरह सच है, आश्चर्य है कि यह बात कैसे मालूम होगी। नोबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। अब उस लड़की में इतनी
सटीक भविष्यवाणी ये सिद्ध की इसने, और उसी ने उस संत के बारे में की। आगे फिर देखना, कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वह भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, बार बार कहा करती हुआ कि 20वीं सदी के अंत में भारतवर्ष में 1997 के आसपास एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई थी। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने एक बार कहा, इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है, साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है, बरवाला में। सत साहेब, अब आप हिसाब लगा लियो पुण्यात्माओं, कौन है वो दास